एनिमल मूवी लगी है और बॉक्स ऑफिस में शानदार कलेक्शन करने जा रही है और सारे थिएटर हॉल में हाउसफुल हो चुके हैं। मूवी बेकार थर्ड क्लास एनिमल मूवी देखा है क्या आपको? रणवीर कपूर की ब्लॉकबस्टर मूवी पे आपको कैसी लगी भैया? बहुत जबरदस्ती लंबी कर दी पिक्चर है, दो फिल्मों का काम खराब कर दिया। इतनी बढ़िया मूवी होती है तो वैसे ही तीन घंटे तीन महीने में एक बार आता हूँ और आ जाऊँ फिर तीन महीने नहीं आऊंगा। बहुत बेकार पिक्चर थी, बहुत शानदार, बहुत जोरदार। पैसा वसूल, पैसा सामने निकल रहा है इनमें से। और आपको एक्टिंग कैसी लगी रणवीर कपूर? बहुत जोरदार, बस लास्ट में वो प्रकाश माली नहीं आता ना। और एक बाप बेटे की जोड़ी बहुत बहुत सुपर सुपर सुपर। अरे बहुत बकवास, टाइम वेस्ट, कोई स्टोरी नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई बेस नहीं है। चार घंटे का टॉर्चर है और जो हाइप क्रिएट करी है बॉबी देओल की और वो गन की, वो सब पांच पांच मिनट का रोल है। बॉबी देओल का दस मिनट का रोल है, कोई मत जाओ। सैम बहादुर जाओ, वो पैट्रियोटिक मूवी है, वो देखो, वेस्ट ऑफ मनी है भाई। एकदम बकवास मूवी है, पैसा वसूल नहीं है, बकवास मूवी एकदम, वल्गर बहुत है। जी जी, बहुत लंबी फिल्म बनाई है तो छोटी करे तो अच्छा लगता है। कल आप तो जोरदार था, बाद में थोड़ा बोरिंग हुआ। जी जी, तो लास्ट में थोड़ा ठीक था। और साढ़े तीन घंटे की मूवी, इतनी बड़ी मूवी शुरू में बढ़िया था, जोरदार, माइंड ब्लोइंग, बहुत सुपर। आपको ये मूवी जब देख के आए तो आपको क्या मतलब अच्छा लगा, इस पॉइंट में आप बताना चाहो, शॉर्ट पॉइंट। इसमें जब रणवीर सिंह ने ये एक्टिंग किया ना, फाड़ू थी एकदम से, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम मौसम था। रेटिंग देने कैसा रेटिंग? आईएमडीबी रेटिंग तो पता नहीं कितने देंगी, पर मेरे तरफ से तो 10/8 है। पहला हाफ बढ़िया, रणवीर कपूर की एक्टिंग एकदम बेस्ट। दूसरा हाफ थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, जैसे कबीर सिंह थी उसका एक्सट्रीम वर्जन था। पहला हाफ बहुत बेस्ट था, पहला हाफ देखना चाहिए, दूसरा हाफ भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा और पांच में से रिश्ता देना चाहूंगा, 5 में से 4 दूंगा मैं। 4 और कोई आपको लग रहा है कि इसमें एक गलती थी या सुधारी जा सकती थी? जैसे साउथ की तरह कुछ ज्यादा सीन्स हो गए थे, जैसे मशीन गन वगैरह, लॉजिकल नहीं लगती जरूरत। हाँ, लॉजिकल पार्ट सेकंड हाफ के बाद थोड़ा हट गया था, फर्स्ट पार्ट काफी अच्छा था। और बेहतर हो सकती थी, और बेहतर हो सकती थी, बट ओवरऑल वर्थ द यू नो वर्थ द मनी। जो क्राउड आपको लग रहा था कि हमें ये क्राउड मिलेगा, ये मजा आएगा, फिर आपको मजा सर नहीं आया मूवी को ज्यादा नहीं था। स्टोरी में जो डीप इंपैक्ट दिए ना, छोटी छोटी चीजों पे जो एक्चुअल स्टोरी लाइट दिए ना, वो अमेजिंग है। मतलब बॉलीवुड में फिर से इतनी तगड़ी चीज दी है कि छोटी चीजों को बड़ा हाईलाइट करके एकदम डीप समझाया है। जो डीप मीनिंग वाली चीज है ना, मतलब जिसमें माइंड लगे, वो वाली पिक्चर है। तो मैं तो कहूंगा माइंड जबरदस्त। और इसमें लेंथ और बढ़ा दी गई थी 3.5 घंटे। रणवीर का रोल भी अच्छा था, बॉबी देओल का रोल थोड़ा कम था लेकिन बहुत अच्छा था। और रेटिंग देना चाहते हो, कितना देना चाहोगे? 6/5, मतलब 5 में से 6। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पैसा वसूल एक नंबर, पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद, पैसा वसूल, पैसा वसूल। बहुत बेकार, एकदम बढ़िया लगी, बहुत ही अच्छी लगी जी। इंस्पिरेशन क्या हो सकती है लोगों के लिए? इंस्पिरेशन यही हो सकती है कि प्यार में पागल हो के वाइल्ड ना हो जाए लोग। कबीर सिंह से आप तुलना कर सकते कंपैरिजन? कबीर सिंह से नहीं कर सकते, कबीर सिंह इज ऑलवेज ऑन टॉप है कि नहीं भाई? एनिमल ऑन टॉप, कबीर सिंह जैसे प्यार के थोड़ा लंबा है। जी जी, और रेटिंग देना चाहते हो तो कितना दे सकते हो? रेटिंग 5/5/4। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी वाज गुड, इमोशनल, थोड़ा रोलर कोस्टर हो गया, बट मूवी वाज गुड। फादर और सन के इसमें इमोशनल कुछ बहुत बॉन्डिंग बताई है, बहुत अच्छी डीप बॉन्डिंग बताई है फादर सन की, क्रक्स में वही रखा है मूवी में। और बाकी तो एनिमल। जी जी, आपको लग रहा है कि इसमें क्या मैसेज देने चाहती है मूवी? मूवी मैसेज तो फादर सन बॉन्डिंग पे, मैसेज वाली मूवी नहीं है, मैसेज वाला अगर लग रहा तो मैसेज वाली मूवी नहीं है। क्या एंटरटेनमेंट ये मूवी है? एंटरटेनिंग तो एज गुड एज संजू, इनफैक्ट मोर देन दैट, कैरीड इट ऑल ऑन हिज शोल्डर्स, इट्स वेरी वेरी गुड, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। और रश्मिका मंदाना? रश्मिका वाज गुड, मतलब जो लड़कियों का रोल होता है मूवी में, एक दो सॉन्ग्स एंड सम इमोशनल कैरेक्टर। बॉबी देओल विलेन में? बॉबी देओल वाज वेरी गुड, बट उसका हर बार की तरह उसका रोल छोटा था, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। और आपको लग रहा है कि इसमें लेंथ बड़ी कर दी गई है? आपको गाना कैसा लगा? सारी दुनिया जला देंगे, गाने सारे अच्छे, म्यूजिक सारा अच्छा है, और रणबीर आर के हैज कैरीड इट वेरी वेरी वेल, वेरी वेल। ही ओनली नाउडेज ओनली ही कैन कैरी अ मूवी सिंगली ऑन हिज ओन शोल्डर्स फॉर 4 आवर्स। फीमेल क्यों बन जाता है? फॉर हिज फैमिली, इज अ वेरी फैमिली गाय, बस उसको समझ में नहीं आता उस फैमिली लव को निकाले कैसे। रेटिंग देना चाहते हो, कितना देना चाहोगे 5 में से? रेटिंग 4.9। और एक पॉइंट आपने क्यों कम किया है? वो नहीं, हिंदी में लैंग्वेज में मार्क्स काट लेते थे कि बेस्ट नहीं हो तुम। जी जी, पूरा 5 में से 5 नहीं पाया, 5 में से 5 देना नहीं है इसलिए, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉलीवुड हैज गिवन सम गुड एंटरटेनमेंट, यू शुड वॉच,
इफ यू नीड एंटरटेनमेंट, डायरेक्टर हमारे साउथ के हैं तो उन्होंने साउथ का पूरा टच कल्चर यहाँ पे ला दिया है, बिकॉज अब उनको पता है कि हमारे जो रीजनल सिनेमा इतने आ रहे हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ साउथ टच. तो वायलेंस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, एवरीथिंग इज. ये मूवी 18 प्लस के लिए क्यों है? वायलेंस, आई थिंक वायलेंस. बच्चों को मत लाइए, पर जरूर देखना है. आप जरूर देखना. बहुत कुछ कर लिया था क्योंकि स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा लैविश है मूवी की, पर थोड़ा सा इमोशनल वो रोलर कोस्टर टाइप हो गई, ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा हो रहा था. थोड़ा वो साउथ वाली मूवी नहीं है, स्टोरी मत एक्सपेक्ट करो, बस मसाला बहुत है. आप ये बता सकते हैं कि रश्मिका मंदाना जो है, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स थे वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी? जी, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बस सबटाइटल्स की जरूरत लगी मेरे को उनकी एक्टिंग में. मूवी में अभी सबटाइटल अगर होते, खास करके उनकी एक्टिंग के टाइम, तो शायद कुछ समझ में आ जाता, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं है. क्योंकि ट्रेलर में आपको पता है ट्रेलर सबटाइटल ऐड होता है, सबटाइटल ऐड होता है, लेकिन उनकी उनकी आवाज ही नहीं समझ में आती. जो वो बोल रही है, वो जो भी प्रोनाउंस कर रही है, वो हमें बिल्कुल भी क्लियरिटी के साथ समझ में नहीं आया. दिक्कत ये हुई सबसे बड़ी. रश्मिका मंदाना बहुत ही एक अच्छी एक्टर है, लेकिन एक्टर है, बेशक बहुत अच्छी एक्टर है, एक्सप्रेशन एकदम तगड़े थे, लेकिन ऑन पॉइंट मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी कि वो आपको समझ नहीं आया. समझ नहीं आया, बस वो कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड बोल रही थी पके प्रेम के वजह से, वरना नहीं बनता वो. उसको जरूरत थी कि क्रिमिनल बने? नहीं थी, लेकिन वो होते ना कि एक टाइम पे आके बंदा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, फिर उसके बाद इरिटेशन में जो होता है वो होता है, बस उसी के ऊपर है मूवी. बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज को लेके, ये है. सीन्स वगैरह वो ओवर पावर करते हुए लगे, ज्यादातर वो चीजें डाल दी जहाँ जरूरत भी नहीं थी, ये एक इशू था बस. बाकी इसीलिए मूवी को 3 घंटे 21 मिनट तक पहुंचा दिया उन लोगों ने. इसमें और क्या बदला होने चाहिए? इम्प्रूवमेंट बस एक की जा सकती है कि अगर थोड़े बहुत सीन अगर हम काट सके, क्योंकि 3.5 घंटा बहुत होता है, सुबह आए थे शाम को जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है. 3.5 घंटे में इसमें काफी सारे ऐसे फालतू सीन है जिन्हें काटना पड़ सकता है, और वो हो जाए तो काफी अच्छी मूवी चल सकती है. लेकिन मेरे को मेन यही इशू लगेगा कि 3.5 घंटे के लिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है. फादर्स का बहुत रोल किया है. फादर्स का देखो, फादर्स के लिए एक ये मैसेज है कि जितना हो सके आप अपने काम को भी टाइम दो, लेकिन बच्चों को भी देना जरूरी, फैमिली को भी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एक बिजनेसमैन के साथ एक फादर भी हैं, तो वो रोल भी आपको अदा करना पड़ेगा. मेरा भी एक चैनल है अनलक्की मिनी व्लॉग्स करके, मिनी व्लॉग्स नहीं है लेकिन मिनी व्लॉग्स डालने पे आता है. अनलक्की नाम है, UN और अंडरस्कोर अनलक्की, और मिनी व्लॉग्स लिखोगे तो मेरे मिनी व्लॉग्स आ जाएंगे. काफी अच्छा है, अभी हमने 10K सब्सक्राइबर्स पेज किए. भाई का चैनल है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा. अनलक्की मिनी व्लॉग्स, अनलक्की मिनी व्लॉग्स, ठीक है.